अखिल भारतीय सड़क परिवहन वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर सभी ट्रक ऑपरेटर, बस ऑपरेटर, टैक्सी व रिक्शा चालक केंद्र सरकार के संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2016 के कड़े प्रावधानों के खिलाफ 8 व 9 जनवरी को हड़ताल पर जाएंगे। ये जानकारी पत्रकारों को संबोधित करते हुए फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लेखराम वर्मा, उपाध्यक्ष राजपाल ठाकुर व नीलम चंदेल अमर सिंह कहा। उन्होंने कहा कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2016 में किए गए कड़े प्रावधान ऑपरेटरों व चालकों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने सरकार से इस संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2016 में किए गए कड़े प्रावधानों को वापस लेने की मांग की है तथा इस अधिनियम में उन्हें प्रावधानों को रखा जाएगा जो जायज हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार इस संशोधित अधिनियम की आड़ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने सरकार से पार्टी बीमा की प्रीमियम राशि को कम करने, 29 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के तहत निःशुल्कों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ACC व BTS प्रबंधन से भाड़े के रेट के मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों को सरकार द्वारा बढ़ाए गए 12 टन भार के हिसाब से किराया भाड़ा देने की मांग की है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इन परिवहन नेताओं ने किराए भाड़े के मुद्दे पर BDTS प्रबंधन से कहा है कि इस मुद्दे पर तमाम ऑपरेटर एकजुट हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से बिलासपुर में RTO के रिक्त पद भरने की मांग की है क्योंकि RTO के पद के रिक्त होने के कारण ऑपरेटरों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। उन्होंने प्रदेश सरकार व परिवहन विभाग के आला अधिकारियों से ऑपरेटरों के हित में सीमेंट कारखानों के समीप बरमाना व बागा में ही ट्रकों की पासिंग करवाने की मांग की है। अखिल भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन और इसके साथ जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की और ओनर्स की है, उसने एक आह्वान किया कि पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो 2017 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में लंबित है, उसके खिलाफ जो बहुत बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान में किया जा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि वो जो ट्रांसपोर्टर्स के जो ओनर्स और उसके जो वर्कर्स है उनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा और देश का जो ट्रांसपोर्ट का जो कर्मचारी है, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला लोग हैं, उनके लिए बहुत ही जटिल है और वो लोग अपने आप को सर्वाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके खिलाफ जो है 8-9 जनवरी को पूरे देश में और हिमाचल में विशेष तौर पे हम उसमें हड़ताल में जा रहे हैं। इसमें जो ट्रक ओनर्स, ट्रक के ड्राइवर्स, कंडक्टर, स्पेयर पार्ट्स, ऑटो के जो मिस्त्री हैं और इसके साथ साथ टैक्सी ऑपरेटर और जो बस ऑपरेटर भी हैं, सारे इसमें HRTC में काफ़ी कर्मचारी शामिल होने जा रहे हैं, जिसका हम डट के विरोध कर रहे हैं क्योंकि MP एक्ट 2017 इसका जो बहुत ही जो देश में आज़ादी के बाद ऐसा कानून आया जिसमें ट्रांसपोर्ट जगत पूरी तरह तबाह हो जाएगा और सरकार इसमें कोशिश करिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को काम दिया जाए और देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें काम करें। दुख की बात है कि लाखों करोड़ों करोड़ जो लोग जो इसमें धंधे से जुड़े हैं और जो सरकार से मांगते कुछ नहीं है, जिन्होंने स्वरोजगार पैदा किया है और सरकार उस रोजगार को छीनने की कोशिश कर रही है और अरबों रुपये टैक्स इकट्ठा करते हैं, देते हैं सरकार को, मगर सरकार हमारे लिए 1 रुपया नहीं खर्चती, जिसका हम डट के विरोध करते हैं और डट के जब तक लड़ाई जीती नहीं जाती, हम लड़ाई से पीछे नहीं हटने वाले।